ये आगे हम लोग फ्यूल पंप पे, और फ्यूल पंप का एंट्री देखो, वाटर क्रॉसिंग से होके जाना पड़ेगा। विंड मिल्स पहली बार इतना सामने से देख रहा हूँ, दो दो विंड मिल्स है भाई। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, एंड अभी बज गए सुबह के 9:20 और मैं हूँ जोधपुर में, और यहाँ से निकलते हैं अब जैसलमेर के लिए। टोटल डिस्टेंस दिखा रहा है 264 किलोमीटर्स, और टाइम दिखा रहा है 2:04 में, तो 3 से 4 के बीच में पहुँचने का ट्राई करेंगे। और अभी तक बाय ग्लव्स का कुछ जुगाड़ नहीं हुआ है, एक्चुअली मैं देखा ही नहीं कहीं पे जाके, एक शॉप में गया था तो वहाँ बोले कि नहीं है, तब निकलते हैं यहाँ से फटाफट। तो ये आ गए हम लोग जैसलमेर जोधपुर हाईवे पे, और यहाँ से देखो पोखरण दिखा रहा है 159, और बालसेर दिखा रहा है 57 किलोमीटर्स, और ये रहा टोल रोड। लेकिन जैसलमेर जो है वो यहाँ से दिखा रहा है 253 किलोमीटर्स, और टाइम दिखा रहा है 2:05। सो आप ये देखिए, यही हाईवे है, और आपको लगता रहेगा कि ये तो सिंगल लेन है, लेकिन भाई सिंगल लेन ही हाईवे है, और हाईवे भी एक नंबर है। तो अभी का सबसे पहला काम है अपना पेट्रोल डलाने का, तो पेट्रोल तो यहाँ से फ्यूल पम्प दिखा रहे हैं 2 किलोमीटर, पहले चलते हैं फ्यूल डला देते हैं। फ्यूल तो वैसे है, लेकिन फिर भी एक बार फुल करा देंगे, क्योंकि 300 किलोमीटर जाना है और उसके आगे भी जाना है, तो पता नहीं वहाँ पे फ्यूल मिले ना मिले इसके लिए। तो ये आगे हम लोग फ्यूल पम्प पे, और फ्यूल पम्प का एंट्री देखो, वाटर क्रॉसिंग से होके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डला लेंगे फुल, फुल कर लें 105.08। जी पेट्रोल आया है कुछ 770 रुपये का, मतलब 7.5 कुछ लीटर की, जो 105 है पेट्रोल प्राइस। ये देखो वापस से वाटर क्रॉसिंग आ गए, पेट्रोल भरा लिया है, तो पेट्रोल का कोई टेंशन नहीं है। आप सीधा चलते हैं यहाँ से जैसलमेर। सो जी ये देखो अपना आज का नाश्ता, 2 आलू पराठा, अभी खा लेते हो, पता नहीं आगे कुछ मिलेगा कि नहीं। ये होटल है कुछ, यहाँ पे रुक गया 40 रुपीज़ पर पराठा, यानी 80 रुपीज़ का। अभी बोला हूँ पानी लाने, और कुछ तो केचप वेचप लेके आने, तो लेके आते तो फिर खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं। सो जी ये वाले होटल पर रुक गए थे, शुभ लक्ष्मी रेस्टोरेंट एसी फैमिली हॉल, 2 आलू पराठा का 80 रुपीज़, और थोड़ा सा पैक भी करा लिया है कुछ कुछ आगे रास्ते के लिए। और ये आगे हाईवे पे, सिंगल लेन ही हाईवे है, और यहाँ से दिखा रहा है 245 किलोमीटर, टाइम लगेगा 4 घंटा 15 मिनट, और टाइम जो दिखा रहा है वो ETA वो है 3 बजे का। तो कोशिश करेंगे कि 3 से 3:30 के बीच में पहुँच जाए। अभी मैंने सीधा अपने हॉस्टल का ही मैप लगा दिया, और ये देखो भाई क्या दिख रहा है आगे, विंड मिल्स पहली बार इतना सामने से देख रहा हूँ,
दो दो विंड मिल्स है भाई, और ऐसा लग रहा है कि काफ़ी धीरे चल रहा है, लेकिन जब आप नज़दीक जाओगे तो मालूम पड़ता है कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलता है, फुल एनर्जी बन रही है भाई। दो दो नहीं है, बहुत सारे हैं, ऊपर से बस दो दो दिख रहा था, अभी आ गए तो 3, 4, 5, 6 दिख रहे भाई, 2 इधर लगे हुए, 4 उधर लगे हुए और 1 इधर भी लगा हुआ, मतलब 7। लगा ही था कि ये जो है वो अडानी का है भाई, और यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख के आ रहा है अडानी में रेड कलर में, आपको हो सकता है कैमरे में नहीं दिखता रहेगा लेकिन मेरे को साफ दिख रहा है अडानी भाई, अडानी भी फुल मचा रहा है भाई। देख रहे हो आप, बिल्कुल सीधा सीधा एकदम स्ट्रेट, एकदम मक्खन जैसा रोड है, बस बीच बीच में आपको 1 या 2 कार या बस मिल जाएगी ऐसे देखने को, नहीं तो भाई कुछ भी नहीं है, सिर्फ विंड मिल्स है और ये इलेक्ट्रिक वायर्स है और ये पोल्स है और कुछ भी नहीं है भाई इस रोड में, बस सीधा 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 फुल इंजॉय करते हुए जाओ। और अभी देखो कहीं कहीं पर धूप भी नहीं आ रही है भाई, कितना मज़ा आ रहा है इतना इस रोड में चलाने में, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको। चल रहे अभी, पता नहीं है जंगली है कि पालतू, लेकिन ऊँट घास चल रहे भाई, इधर बकरी भी है और लाल मिट्टी दिखने लगा है भाई, लाल मिट्टी है कि लाल रहती है पता नहीं, लेकिन लाल कलर का है। और बाकी है 51 किलोमीटर्स भाई, तो ऑलमोस्ट पहुँच ही गए समझ लो, 50 किलोमीटर्स बाकी है। जैसलमेर पहुँच गया हूँ और यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर और दिखा रहा है जो मेरा हॉस्टल है वहाँ पे, और टाइम दिखा रहा है 15 मिनट, तो उससे पहले ही पहुँच जाएंगे मेरे को लगता है। ये देखो रोड अभी तक 1 नंबर है भाई, सिंगल ही लेन है लेकिन 1 नंबर रोड है, आराम से आप 120-130 पे पूछ कर सकते हो अगर आपके पास ऐसी बाइक है तो, मैं लेकिन 105-110 पर आराम से पूछ कर रहा हूँ, और ये NH58
देखो सामने में अगर आपको कैमरे में दिखता रहेगा तो वो है जैसलमेर फोर्ट, मतलब यहाँ से आपको जैसलमेर फोर्ट दिखने लगेगा। और जो हॉस्टल है मेरा वहाँ से तो बिल्कुल सामने में ही है भाई, तो जैसे ही हॉस्टल पहुँचते मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन ये देखो दिखता रहेगा अभी शायद, जैसा जोधपुर में फोर्ट था ना पहाड़ के ऊपर, एकदम सेम वैसे ही फोर्ट है भाई पहाड़ के ऊपर। तो अभी थोड़ा सा मैप देख के भी चलना पड़ेगा क्योंकि 4.1 क्योंकि बस 1.5 किलोमीटर बचा हुआ है और कुछ इस टाइप का जैसलमेर सिटी है। सो ये है भाई अपना हॉस्टल ओबिन सफारी, अभी अंदर जाते हैं देखते हैं क्या सीन है। सो अभी जाते हैं अंदर, रूम का हो गया जुगाड़, अभी जाते हैं और फिर मिलते हैं आप थोड़ा देर में। देखो भाई ये है अपना कुछ रूम, यहाँ पे ये मेरा रूम है और ये है बाकी रूम्स। तो चलो ये वाले वीडियो में बस इतना ही, ऊपर रेस्टोरेंट भी है तो अभी जाते हैं कुछ खाते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ कल। सो बाय बाय एंड टेक केयर।